press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. संजय दत्त पर बन रही बायोपिक रिलीज होने से पहले ही करोड़ों कमा चुकी है। राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बन रही ये फिल्म ने पहले ही लोगों के दिलों में जगह बना ली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म का नाम फॉक्स स्टार स्टूडियो जैसे बड़े स्टूडियो से जुड़ा है, तो रिलीज के पहले ही 200 करोड़ रुपए कमा चुकी है। इससे तो लग रहा है कि संजय दत्त की बायोपिक के सैटेलाइट राइट्स भी महंगे बिकेंगे और फिल्म 250 से 300 करोड़ रुपए तक पहले ही कमा लेगी। संजय की बायोपिक के लिए रणबीर ने काफी मेहनत की है और ये उनके लुक को देखकर साफ पता लगता है। रणबीर ने अपने रोल को रियल जैसा बनाने के लिए संजय से भी काफी डिस्कशन की, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी एक्टिंग में कोई कमी रहे। वेल, फिल्म रिलीज के पहले इतना कमा रही है जिससे इतना तो साफ है कि ये फिल्म लोगों को काफी पसंद आने वाली है। रणबीर के अलावा मनीषा कोइराला, दिया मिर्जा, अनुष्का शर्मा, सोनम कपूर और विकी कौशल लीड रोल में हैं। फिल्म 30 मार्च को रिलीज होगी।